ये देख, पीछे मुड़ के देख, हम विलेज देखने आए थे, हमें लग रहा है हम विलेज में रहते हैं। हाँ। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिलती है क्या सस्ती? इससे बढ़िया कोई डेट हो सकती है? तो गुड मॉर्निंग, कुछ ज्यादा ही अर्ली वाली गुड मॉर्निंग हो गई है और अभी हमें जाना है एक नई जगह एक्सप्लोर करने, जैसे हम हमेशा करते हैं। आओ चलो चलते हैं, साथ में बताता हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और हमने कैब बुक कर ली है, हमारी फ्लाइट है अर्ली मॉर्निंग। चलो, हमेशा से LAP के बोट हाउस में जाकर रहने का मन था, फाइनली आज हम उसी के लिए जा रहे हैं। फाइनली हम आ गए कोची एयरपोर्ट, अपनी डेस्टिनेशन है वो हमारी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम कंबाइंड बस और ट्रेन की मदद से पहुँचते, लेकिन वो पहुँचते हम बहुत लेट हो जाते। लेकिन अभी हमने जस्ट टैक्सी लिया है, वो हमें पड़ी है 3500 की, ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता है फिर से, तो गाड़ी में बैठ के जाना है। क्या हो रहा है? ये हमें पता नहीं था ज़्यादा, मतलब पता था बट इतना नहीं पता था इतने लगेंगे। यहाँ के हमने ऊबर पे भी चेक किया, ये ऊबर पे 4000 दिखा रहा था, यहाँ पे हमें 500 रुपये सस्ता पड़ गया। तो देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी घुसते ही हमें इतनी सारी बोट्स दिख रही है अलग अलग कंपनी की। हमारी जो है वो है मार्वल क्रूज हाउस बोट्स, वो थोड़ी आगे है, ये जंदारी करके है। आराम से चलियो, कम मजा ही मजा, देखो तो बहुत बढ़िया लग रहा है। यस वेलकम, थैंक्स, यही चाहिए था। वैसे इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ये हमें पूरी बोट पड़ी है 10,000 रुपीज़ की, एक दिन के पूरा, 12 बजे से दोपहर के कल सुबह 9 बजे तक, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ। अभी बस उन्होंने लाइट जलाई है यहाँ पे, इन्वर्टर लाइक मोटर टाइप। वैसे हमने AC चेक किया था, वो चलता है शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक, तो अभी AC नहीं चलेगा, बट बाकी सारी लाइट्स चलेगी, उनका चलेगा। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। कोई हम खा सकते हैं हाँ हमारे लिए। अभी हमें बोट का पूरा दिखाया जा रहा है, टूर चल रहा है, ये किचन है, ये है एंड बोट का, यहाँ पे भी अच्छा खड़े हो सकते हैं। वैसे तो ये 2 रूम वाली बोट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रूम है, मतलब अभी सिर्फ आज के लिए हम ही 2 गेस्ट हैं यहाँ पे, और 3 हमारे साथ भैया है, जिनमें से एक कैप्टन है और एक शेफ है और एक और साथ में हेल्पर है। इस पूरे एरिया में तुम्हें इतनी सारी बोट्स दिखेगी, चलते चलते हमें इतनी सारी बोट्स दिख रही है। पूरे इस बैक वाटर्स में इनके पास 1800 के आसपास बोट्स हैं, और अभी हम शायद पार्क कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे कहीं रुके, और लंच टाइम भी हो गया है तो लंच भी करेंगे। इससे बढ़िया कोई डेट हो सकती है? आ गई पल्स स्पॉट फिश, खाना पूरा तैयार है। हमने वैसे बताया था उन्हें प्रेफरेंस हमारी कि हम नॉन वेज खा सकते हैं, क्योंकि हमें सब ट्राई करना था यहाँ का लोकल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन वेज चीज और सारी ही वेज। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वेज नहीं मिलता, ये कैबेज से बनाया है, ये सब्जियों वाला है, मिक्स वेज सांबर चावल, ये यस बेस्ट। हम है, मेरा पता है कि इयररिंग भी गिर गया पानी में, ऐसे जाता हुआ दिखा है मुझे। विश पूरी होगी तेरी? मैं तो कोई विश नहीं मांगी, हो जाएगी ना। ये तो फ्लोटिंग मार्केट आ गई यहाँ पे रास्ते में। हमें एक जगह भी बताई है कि बहुत पुराना चर्च बना हुआ है पोर्चुगीज के टाइम का, तो वो देख सकते हैं हम जाके उतर के। ब्रिज के ऊपर वेडिंग शूट भी चल रहा है, तो सही है, बट यार लोकेशन सच में अच्छी है, कितनी फोटो खींच लो सब कम है। मतलब इससे रिलैक्स वाली जगह हो ही नहीं सकती। हम सुबह अच्छा खासा ट्रेवल करके आए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया हमें सब कुछ करने का।
तो 3 बज गए हैं एंड अभी हम रुके हैं चर्च के लिए, जो कि पोर्चुगीज के टाइम पे बना था मंदिर, तब हम वो देखने जा रहे हैं, बट हम सिर्फ 15 मिनट के लिए रुके हैं, या फिर भैया हमें छोड़ के चले जाएंगे, आइए जानते हैं। ओके चंपाकुलम का चर्च है। बट वैसे अंदर जो पेंटिंग्स हो रखी थी ऑब्वियसली वो बहुत पुरानी है, लेकिन इतनी फ्रेश और इतनी वो लग रही थी नई की नई और इतनी सुंदर थी। मैं गूगल करूंगी इसके बारे में सर, हमें और जानने को मिलेगा। अभी हम ऐसे यहाँ पे गलियों में घूमने आ गए, जैसे हमारे पास सिर्फ 15 मिनट थे, लेकिन हमारे को थोड़ा सा टाइम और मिल गया। और अभी हमने एक इतनी पुरानी शॉप देखी है जहाँ पे सारा वुडन वर्क वो रखा था, वो 100 ईयर्स से बिजनेस में और 4th जनरेशन है अभी, 3 साल हो गए। मैंने भैया से बोला कि अब हम केरला आए तो ताड़ी तो बनती है पीनी, तो अब हम आ गए हैं ताड़ी के लिए। इतनी सही जगह पे रुके हम, यहाँ पे शूट चल रहा है न्यूज चैनल का। मैंने भैया से सारी बात कर ली। यहाँ पे ना रेसिंग कंपटीशन होता है, नेक्स्ट मंथ होगा, तो उसका सॉन्ग है कुछ ट्रेडिशनल टाइप, उससे रिलेटेड है कुछ। हम तो वैसे लुक के थे ताड़ी लेने के लिए। तो हमने ले ली, ये बनती है कोकोनट से, अगर पहले हमारी वीडियो में देखा हुआ तो ये कोकोनट एल्कोहल है, खट्टा कुछ नींबू पानी है इसमें ना, इन्होंने मीठा नहीं मिलाया। यूजली जो दूसरी ताड़ी मिलती है उसमें थोड़ा सा मीठा मिला होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। अब मौसम और भी बढ़िया हो गया है, धूप थोड़ी कम हो गई है, बट हमें ज़्यादा पहले भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब और कम हो गया है टेम्परेचर, अब अच्छा लग रहा है। विवेक क्या है हमारे लिए? ये फिश पकौड़ा? नहीं आलू पकौड़ा? नहीं क्रैब? बनाना कटलेट ट्राई करके देख। ओके यस, बनाना कटलेट तो मैंने कभी भी नहीं खाया। सो गुड, इट्स लाइक पैनकेक वाला डोसा है। तेरे को याद है हम पहले भी एक बोट हाउस में रहे थे ना? हाँ, बट वहाँ पे तो हाँ खड़े हुए थे, सेफ्टी से वैसे खड़े हुए ना, अब तो हम क्रूज कर पा रहे, बट तब हफ्ते ना ट्रैवल किया ही, वो भी ऐसे नया सा कुछ था कि चलो खड़े ही हुए हैं बोट हाउस में रह रहे हैं, कितनी नई सी चीज थी, लेकिन अब तो क्रूज कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, अरे अपग्रेड हो गए। यहाँ पे एक्टिविटीज भी हैं, बोटिंग भी कर सकते हो और कायाकिंग भी करनी है। कायाकिंग फिर तेरे को ऐसी मजा आ रहा है? कोई करना पड़ेगा, मैं तो बैठ जाऊंगी कुछ। चलो आराम से बेटे, पानी में मत गिर जाइयो। ये आ गए हम बाहर बोट से। कोई कह सकता है ये गांव की सड़क है? ये अभी बनी है 2022 में बनी है, और इतनी सुंदर और इतनी नई, मतलब ऐसी जगह रहने का मन करे ऐसा है। अगर तू चुप रहेगा ना, इट्स सो पीसफुल। आंटी और अंकल मिलके मछली पकड़ रहे हैं। भी ऐसे मैं उधर खड़े हूँ, मैं उधर खड़े हूँ, फिर मछली पकड़ हम यही रहेंगे फिर। मुझे ये व्यू बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया बदल गया ऐसा वाला। ये देख पीछे मुड़ के देख, हम विलेज देखने आए थे, हमें लग रहा है हम विलेज में रहते हैं। हाँ। देखियो सीरियसली उन्होंने ऐसी जगह उतार दिया हमें, लाइक मैं बिलीव नहीं कर सकता ये भी ऐसा कुछ है, मैंने कभी भी ऐसा गांव नहीं देखा इंडिया में, इतना मस्त इतना क्लियर। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिलती है क्या सस्ती? फेल्ड अटेम्प्ट मनी। ये देखो खाना है हमारे पास, खाने का टाइम। ये है चिकन और ये है चपाती। वाओ परफेक्ट, यम्मी यम्मी। एंड मूवी, एंड मूवी। गुड मॉर्निंग। आराम से सुबह।
था सुबह सुबह शांति, बस पड़पड़क की आवाज आ रही है, पड़पड़ पड़पड़ बोट की। एक एक जा रही है सब वहाँ से, हम भी जाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, जो से हम कभी नहीं करते हैं, हम सीधा जिम करने जाते हैं। हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है यहाँ चिल करने का, क्योंकि 8:30 बजे बोट यहाँ से निकलेगी और फिर वहीं पहुँचा देंगे हमें, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हम कल बैठे थे। ये पानी ऊपर आ जाना थोड़ा। हाँ nice. और 9 बजे चेकआउट है, फिर 9 बजे थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, लेकिन कोई नहीं, हमें वैसे भी निकलना ही है, फ्लाइट है हमारी। बहुत लंबा सफ़र है यार, 3 घंटे जाना है, फिर 2 घंटे पहले पहुँचना है, फिर 3 घंटे की फ्लाइट है, और फिर दिल्ली से 1-2 घंटा जाम, 12 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं चलता। वैसे तो ब्रेकफास्ट भी है लेकिन हम कर नहीं रहे, हम पागल है। हाँ, क्योंकि हम पागल है। नहीं, हम थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं पेट को। मेरे को ये बोट बहुत अच्छी लगी, ये बोट हाउस बहुत अच्छा लगा। एक तो ये बहुत ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है, बाकी हमने आसपास जो देखे वो सब कवर्ड थे, ये बहुत खुला और अच्छा बना हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, यहीं ऐसे ही चलते फिरते घूमते नाचते कूदते। बाय 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 बाय।